भूल भुलैया 3 में होगी कार्तिक आर्यन की धमाकेदार एंट्री, 1000 डांसर संग जमाएंगे रंग। कार्तिक आर्यन लगातार भूल भुलैया 3 की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म में उन्हें फिर रो बाबा के अंदाज में देखा जा सकता है। वही लगातार फिल्म को लेकर सामने आ रही अपडेट्स दर्शकों की बेसब्री को दुगना कर रही है। बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन पिछले कुछ दिनों से हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। ऐसे में लगातार इस फिल्म से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब फिल्म में एक गाने को लेकर खबर आ रही है। इसमें कार्तिक को 1000 लड़कियों के साथ डांस करते हुए देखा जा रहा है। फिल्म में कार्तिक की एंट्री की अटकलें बड़े पैमाने पर लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म में उनकी एंट्री एक गाने के सीक्वेंस से होगी। इस गाने को हिंदी सिनेमा में प्रोडक्शन के लिहाज से सबसे बड़े गानों में से एक बताया जा रहा है। इस सीक्वेंस में 1000 डांसर्स दिखाई देंगे। गाने को लेकर मुंबई की फिल्म सिटी में एक विशाल सेट तैयार किया गया है। गाने की कोरियोग्राफी गणेश आचार्य संभाली है। इसे बॉलीवुड के अब तक के सबसे बड़े गाने के रूप में माना जा रहा है। इसमें 1000 डांसर शामिल हुए हैं और यह फिल्म में रो बाबा का एंट्री सीन है। कार्तिक पिछले 2 हफ्तों से इस पर काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सेट का पैमाना और भव्यता दर्शकों का दिल जीत लेगी। गणेश और कार्तिक ने इसमें कुछ अलग करने की कोशिश की है। शूटिंग इस सप्ताह शुरू हुई है जो अगले सप्ताह तक जारी रहेगी। बता दें कि भूषण कुमार द्वारा निर्मित भूल भुलैया 3 के निर्देशन की कमान अनीस बज्जी ने अपने हाथों में ली है। फिलहाल फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को लेकर खुलासा नहीं हो पाया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म में उद्या बालन और तृप्ति डिम्बी भी नजर आ सकती हैं। वहीं हर अपडेट के साथ फिल्म के लिए दर्शकों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म इसी साल दिवाली के खास मौके पर रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे ताजा तरीन खबरों के लिए।